नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008। दोस्तों, हरियाणा प्रदेश में एक ताज़ा मुद्दा है, मोखरा वाली साध्वी जो झाड़ा लगाती है, चमत्कार दिखाती है। मैं आपको बता दूं कि वो अचानक गायब होगी। कहां गायब होगी इस बात का पता हमें लग गया मोखरा गांव में जाने के बाद। हम मोखरा गांव में गए, साध्वी जी से स्पेशल मिलने का हमारा मन था, उनसे बात करने का मन था, लेकिन जब हम वहाँ पर गए तो हमें पता लगा कि वो मोखरा धाम छोड़ चुकी हैं। और वहाँ पे कुछ गांव वालों ने बताया कि भाई मुंडाल के पास वो उन्होंने अपना धूना लगाया है। साध्वी जी को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे पहुँचे हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये जो रोड ये आ रहा है, ये रोहतक से ये रोड आ रहा है, और इधर इसार वाला जो रोड है ये रोहतक इसार रोड है। रास्ते में एक कस्बा पड़ता है मुंडाल। मुंडाल से मेरे ठीक पीछे मुंडाल है, मुंडाल से 5-7 किलोमीटर हम आगे आए हैं। इस रोड पर गांव है, एक छोटा सा गांव है सोरखी गांव। सोरखी गांव से ठीक 500 मीटर पहले मेन हाईवे पर मुंडाल से 5 किलोमीटर निकल कर और सोरखी गांव से 500 मीटर पहले ये साध्वी जी ने यहां पे धूना लगाया है, अपना डेरा जमाया है। यहां पे आने के बाद हमें पता लगा कि भाई बहुत सारे भगत हैं जो उनके आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और एक ही दिन हुआ है उनको मोखरा धाम छोड़े हुए। यहाँ भी बहुत ज़्यादा भारी संख्या में यहाँ पे हमें भीड़ देखने को मिली है। साध्वी जी झाड़ा लगा रही हैं, कुछ देर में वो फ्री हो जाएंगी। आइए उनसे जानेंगे मोखरा धाम छोड़ने का कारण, क्यों उन्होंने मोखरा धाम छोड़ा और क्यों वहाँ से यहाँ इतनी दूर सोरखी गाँव में आकर अपना डेरा जमाया है। इन सब सवालों के जवाब उन्हीं से लेंगे। आइए मेरे साथ। आदेश जी। आदेश जी, आदेश। पहला सवाल है जी, मोखरा धाम छोड़ने का क्या कारण रहा? मोखरा धाम छोड़ने का कोई रीज़न नहीं था जो कि मैं पुख्ता आपको बता सकूं, क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं था। दूसरी बात यह है कि कहते हैं ना कि बहता पानी रमता जोगी, चलते रहते हैं, तो आदेश हो गए बाबा के तो चल दिए वहाँ से। तो मोखरा यहाँ आ गए, सोरखी आ गए, दोबारा बाबा बुलाएगा मोखरा धाम तो फिर चले जाएंगे वापस। एक बात बताओ, एक ही जगह बारिश होती रहेगी तो बाकी की जगह तो सूखी रह जाएगी ना, तो जगह जगह जाना पड़ता है। कोई इसमें मुझे मोखरा गांव ने कोई परेशान नहीं किया, किसी भाई का बहम हो कि मेरे को निकाला है वहां से, ऐसा कुछ नहीं है। शायद कैमरे के सामने आप काफ़ी देर से वीडियो बना रहे हो, तो जो कमेटी मोखरा की आई हुई है यहाँ सहयोग करने के लिए, ठीक है, जो वहाँ खड़े होते थे वो बंदे सभी यहाँ मौजूद हैं जो हमारी कमेटी है। तो अगर वहाँ से निकाला होता तो कमेटी क्यों आती है? कमेटी ना तो मेरी वहाँ कोई भाईचारा था ना कुछ था, तो सभी गांव के ग्रामवासी थे, सभी यहाँ मौजूद हैं, तो आपको दिख ही रहे हैं, तो ऐसा कुछ रीज़न नहीं है जैसा जनता अनुमान लगा रही है। मोखरा धाम का बहुत ज़्यादा प्रचार हो चुका है, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा ही साइड से आप सामने से बनाएं। मोखरा धाम का भाई एक मिनट, मोखरा धाम का बहुत ज़्यादा प्रचार हो चुका है कि साध्वी जी हैं जो सोमनाथ जी मोखरा धाम में झाड़ा लगाती हैं, बहुत दूर दूर से भगत आपके पास आते हैं, बहुत दूर दूर तक आपका प्रचार हो चुका है। अचानक वहाँ से मतलब अपना धाम दूसरा बदलने के बाद उन भक्तों को परेशानी होगी, या इसके बारे में आपने क्या सोचा? वो तो और उनकी परेशानियाँ घटी हैं, किलोमीटर बढ़ गए हैं, ये मैं मानती हूँ। परेशानियाँ ये हो रही हैं कि उनको पता नहीं है कि आना कहाँ है। बेटा वीडियो बंद कर, वीडियो के लिए यूट्यूबर है, ठीक है। तो मैं हाँ ये कह रही थी कि जैसे किलोमीटर बढ़ गए हैं, पर एक चीज़ और भी तो देखनी चाहिए ना भक्तों को, कि ये मेन हाईवे पे है, तो यहाँ से जो ट्रांसपोर्ट सुविधा है बसें सारी जाती हैं हिसार के लिए, और हिसार से सारी आती हैं झज्जर के लिए, तो उसी रोड पे है ये, तो ट्रांसपोर्ट सुविधा कितनी आसान होगी है। और फिर सीधा हाईवे पे आना, बिल्कुल हाईवे के ऊपर वो गांव के बीच में था, वहाँ मुझे सुविधा ज़्यादा थी। क्यों थी? कि वहाँ गाड़ियों की कोई परेशानी नहीं थी। यहाँ तो अभी प्रशासन भी थोड़ा सा परेशान सा कर रहा है, क्योंकि गाड़ियाँ रोड पे खड़ी हो जाती हैं, जनता को पता नहीं है कि पार्किंग भी है साइड में। बाकी वहाँ का स्थान भी ठीक था और यहाँ का भी ठीक है। यहाँ का जो प्रबंध है, आपने वहाँ रहते रहते पहले कर लिया था या अचानक कैसे हुआ? नहीं, जिस दिन रविवार की गद्दी थी उस दिन मैं सुबह सुबह अपनी ज्योत बत्ती की तैयारी कर रही थी, तो माता काली की ज्योत है जो अखंड चलती है, और जति गुरु गोरखनाथ की अखंड चलती है, तो इन दोनों ज्योतों को मैंने देखा। भाई हमारा विचार होता है, हम आपको सारी बातें नहीं बताएंगे, तो उन ज्योतों के हिसाब से ज्योत जो थी बाबा की अखंड चलती रहती हैं, वो दोनों ज्योत एकदम से चली गई।
ठीक है, तो चली गई। तो उसी टाइम मैंने विचार लगा लिया था कि अब यहाँ से कुछ करने के आदेश हो गए। चिमटा त्रिशूल जो गड्ढे हुए थे, अच्छी तरह गार्ड रखे थे, वो अपने आप इधर उधर होने लगे। तो उनको निकाल, मतलब कि फिर पता चल जाता है, भगत होता है जो, कि भाई अब आदेश हो लिए हैं। तो इनके आदेश बिना तो मैं पानी भी नहीं पी सकती, कोई भी नहीं पी सकता संसार में पानी भगवान के बिना। तो इनके आदेश थे तभी हमने यहाँ कूच किया। आगे इनके आदेश होंगे तो मोखरा वापिस चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। इनके सब इनके ऊपर है जी, इनके नाम से ही काम होते हैं, इनके करने से ही काम होते हैं, और इनके आदेश होते हैं वैसे चलना होता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर था जहाँ पे आप बैठे थे, यहाँ तो कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, तो जैसे मतलब इस काम के लिए मंदिर ही जरूरी होता है या कहीं पे भी आप लोग कर लेते हो? बताओ, सारा मेरे तो यूट्यूबर एक के सवाल पूछ रहे हैं कि इस काम खातर मंदिर जरूरी हो है या कहीं भी ऐसे वैसे। मैंने जरूरी होता है ये नहीं कहा साधु जी, मैंने ये कहा कि आपसे पूछा है मैंने कि इस काम के लिए मंदिर ही जरूरी होता है या कहीं पे भी दूना लगाया जा सकता है। एक बात बताओ, तड़कन है, मैं खुद की जमीन ले लूँ तो उसमें भी तो मूर्तियाँ वगैरह लगाऊंगी, वो आप धूने की वीडियो बनाओगे उसमें भी रखी हुई हैं जो अब हैं। यही मूर्तियाँ मेरे पटौदी में भी थी, क्योंकि वहाँ शिवालय था, गोरखनाथ मंदिर नहीं था, तो उसमें भी यही लगा रखी थी मैंने। दूसरी बात, वक्त की वो ज्योत चेतन है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, आप कहते हो जरूरी होता है नहीं, आपने कहा है या नहीं, आपने ये पूछा है मुझसे, तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, तड़का मैं डेरा बनाऊँ हूँ खुद का, तो उसमें मंदिर थोड़ी होगा, वो भी तो डेरा ही होगा, उसमें मंदिर बनाऊंगी जब होगा। अब जहाँ कहते हैं ना मन चंगा तो कठोठी में गंगा, मंदिर हमने अपना धूना स्थापित कर लिया है, जो चालू हो गई है, और बाबा की फोटो वगैरह लगा दी है, तस्वीरें लगा दी है, तो ये मेरे लिए तो यही मंदिर है। और जो कहते हैं साधु संत का तो जहाँ रह ले वो एक मंदिर है, ठीक है, और गृहस्थी इंसान का जहाँ रहता है, किराए पर रहो चाहे कहीं भी रहो, तो वो उसका घर होता है, तो जहाँ हम अपना वास करेंगे उसी को मंदिर बना देंगे, क्या आफत हो रही है। यहाँ पे जो आए हो आप, सोरखी गांव है ये, यहाँ ये जो स्थान है ये अपनी मर्जी से आपने चुना है या यहाँ की पंचायत है, कमेटी, कोई कौन लेके आया है यहाँ पे? मेरे को लेके आए हैं यहाँ के अपने एक जानकार हैं, ईश्वर सिंह, होटल है उनका स्वास्तिक भोजनालय के नाम से, पीछे ही है अभी 500 मीटर पीछे, तो वो मेरे को यहाँ लेके आए हैं। हमारी जानकारी है, जब से मैंने गद्दी ली है तब से आना जाना है, ठीक है, वो मेरे को यहाँ लेके आए हैं। ये मतलब कि गांव का तो सहयोग होता ही है, देखो कहीं भी जाओ, सोरखी गांव है चाहे मोखरा गांव है, गांव के सहयोग बिना कुछ नहीं होता, तो गांव का भी सहयोग है, गांव के लोगों का भी सहयोग है, और जान का मतलब कि दिलाने वाले ईश्वर सिंह भाई साहब हैं। एक बात और है मेरे मन में, एक सवाल है, वहाँ पे जब देखो आप साध भी हो, लोगों का भला कर रही हो, ये हमें भी लग रहा है कि भाई जब झाड़ा लगने से लोग ठीक हो रहे हैं तो बहुत से लोगों को परेशानी होती है, क्यों परेशानी होती है, लोग विरोध क्यों कर रहे थे आपका वहाँ पे? कहाँ कर रहे थे? मोखरा गांव। किसने क्या विरोध? बहुत सारी वीडियो हमने भी देखी है, हम पहले वहाँ पे नहीं गए, बहुत सारी वीडियो हमने आपकी देखी है कि बहुत सारे लोग विरोध भी कर रहे थे कि भाई साध्वी जी गांव में आ गई, कोई निकालने की कह रहा था, कोई क्या कर रहा था, क्या उन सब जी कह रहे हो आप, या ये झाड़ा लगवा? नहीं, ग्रामवासियों के बात समझने में फर्क हो गया। तो ग्रामवासी, देखो जी ये मेरा हाथ है, छोटा है बड़ा है जैसा भी है, इसमें पांचों उंगली तो सेम नहीं होती ना, होगा ना, ये सोरखी गांव है, इसकी भी पांचों उंगली सेम नहीं होगी, ठीक है। हर जगह, हर गांव में, हर डेरे के आसपास में प्रतिद्वंदी मिलते हैं, ठीक है, कुछ रखने वाले होते हैं, कुछ निकालने वाले होते हैं, जो ये सोचते हैं ना कि मेरे को मोखरा गांव ने निकाला है, तो एक बोटिंग की मशीन बनाओ, मैं उनसे एक अनुरोध करती हूँ, बोटिंग की मशीन बनाओ, मैं तो यहाँ बैठी हूँ सोरखी में, मोखरा जाओ और मोखरा जाके वहाँ पंचिंग करा के लाओ, ठीक है, कितने, एक मेरी बना लो, एक अदरवाइज मीडिया की बना लो, और तो मैं किसका नाम लूँगी कि बुरा मान जाएंगे लोग, ठीक है, मीडिया की बना लो कि मीडिया की तरफ है या मेरी तरफ उसमें जो बोट में जो रिजल्ट आता है ना वो आप दुनिया को दिखाओ, ठीक है, वहाँ 90% बोट मेरी तरफ है, मतलब कि मैं इलेक्शन की वोट नहीं कह रही हूँ, जनता उल्टे उल्टे भी निकाल ले इनका अर्थ, मैं अपनी वोटिंग की कह रही हूँ कि साध्वी को रखना चाहते हो नहीं चाहते, 90% है ना मेरे को रखने में है। मैं जब मैं वहाँ से चली थी ना तो सुभाष लेगा जी वहाँ मौजूद थे, क्योंकि वो हर दिन बाइट लेने आते हैं, वहाँ की लेडीज है ना बुरी तरीके से रो रही थी, और जेंट्स जो कभी रोते नहीं है, आदमियों की आँख में पानी ना आया करे भी, आदमी भी वहाँ के रो रहे थे कि मत जा, मेरा खुद का फैसला था कि मुझे जाना है तो मुझे जाना है। हाँ जी, और दूसरी बात ये थी कि जो पार्क था ना, आपने देखा भी होगा, वहाँ पे व्यवस्था जगह कम पड़ गई थी, ठीक है, यहाँ मैंने अपना एक किला लिया है, किराए पे लगा लो चाहे कैसे भी लगा लो, वो वहाँ किला तो था नहीं, तो वहाँ
किले विले मतलब यहाँ लिया है तो उसमें पार्किंग हो जाएगी, भीड़ को भी रुकने का इंतजाम हो जाएगा। देखो अभी नया नया रेत वेत दिख रहा है आपको, बल्ली बल्ली दिख रही है, तो इनको कल तो शिफ्ट हुए ही हैं हम, तो इसकी सेटिंग सारी हो जाएगी, भीड़ की इस तरीके से व्यवस्था करी जाएगी कि इनको गर्मी ना लगे, आराम से ये लोग खड़े रहें। बाकी मोखरा गाँव से भी मेरे को लेने के लिए लोग आ चुके हैं और कमेटी आपको दिख ही रही है जो वहाँ थी यहाँ भी है, ये लोग सुबह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। रिक्वेस्ट करने का ये मैंने इनको बोल दिया है कि भाई मेरे को 10-20 दिन यहाँ रहने दो, मेरा भी मूड चेंज हो जाएगा, नए आदमी मिलेंगे, नया गांव है, और उसके बाद जो बाबा का फैसला होगा उसको मानेंगे और चलेंगे। क्या आप वापस मोखरा धाम जा सकते हो? मोखरा गांव ने मेरा बिगाड़ा क्या, क्यों हो रहा मेरा जान में? और मेरे तो आप मेरे सवाल को गलत ले गए। हाँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप मोखरा धाम वापस जाओगे क्या? हाँ क्यों नहीं जाऊँगी, कोई मेरे को लेने आएगा तो मैं ज़रूर जाऊँगी, बाबा का आदेश लूंगी पहले तो, भाई पहले लेने वाले आएंगे, मेरी तो राजी चल रहे नहीं, वहाँ जाकर मेरा मुद्दा लगा दे बाबा, तो ये भी मैं नहीं चाहती, तो बाबा के आदेश लूंगी अपने धुने पे बैठ के, बाबा आदेश कर मुझे जाना है नहीं जाना, अगर मेरे बाबा जति गुरु गोरखनाथ इस चीज़ में राजी होते हैं, मैडी में दोबारा जाना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर अब जाऊँगी वापस। क्या ये स्थान सोरखी में जो आपने जो स्थान चुना है ये परमानेंट भी हो सकता है? हाँ जी परमानेंट भी हो सकता है, क्या हो रहा है परमानेंट होने के लिए? अब क्या विचार है यहाँ पे, परमानेंट का विचार बना के आए हो या वापस जाने का या कहीं और? देखो जी जब तक मेरा खुद का पर्सनल डेरा नहीं हो जाता, जो कि मेरा खुद का होगा, खुद की ज़मीन होगी, खुद का उसमें मैं बढ़ाऊँगी, तब तक तो हमें ऐसे ही चलना है, जिस दिन हमारा खुद का हो जाएगा उस दिन हम अपना धूना पक्का कर देंगे, ठीक है। अभी हमारा धूना मिट्टी से चिना हुआ है, क्योंकि जो चलते रहते हैं ना उनका धूना मिट्टी से चिना होता है, ठीक है। तो जब हमारा पक्का काम हो जाएगा कि भाई हम आज हमारा खुद का डेरा है, उस दिन मैं आपसे कहूँगी कि मैं मेरी परमानेंट जगह ही है, पब्लिक को परेशानी हो रही है मैं भी मान रही हूँ इस चीज़ को, पर बाबा के आदेश अनुसार मुझे चलना होगा, पब्लिक को कष्ट उठाना होगा और उठाएगी तो उनको आराम मिलेगा, परमानेंट जगह उस दिन बताऊंगी जिस दिन मेरी खुद की हो जाएगी। मैं तो ये नहीं कहती, क्या पता दाना पानी सोरखी का 1 साल का है, क्या पता 1 महीने का है, क्या पता आज आज का ही है, ठीक है। जितने दिन का दाना पानी हो इंसान उतने दिन ही वहाँ अटैक रहे जब तक खुद का सिस्टम ना बने। देखिए वीडियो बहुत सारी हमने भी आपकी यूट्यूब पर देखी है, आज हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल की जो टीम है पहली बार आपके पास आई है, मैं पूछना चाहूँगा कि जो आपके जो झाड़े होते हैं किस तरह की बीमारियों के झाड़े होते हैं? देखो जी सर दर्द, माइग्रेन हो गया, नज़ला हो गया, गले में हो गया, कुछ भी हो गया, और हार्निया हो गया, पेट दर्द हो गया, पैरों में दर्द हो गया, सर में दर्द हो गया, लेडीज़ों के जो प्रॉब्लम होती है वो बताती हैं मुझे, मैं उनका समाधान करती हूँ जितना मुझसे होता है, ठीक है। बाकी करने वाले बाबा हैं, करने वाले मतलब कि बाबा कराने वाले हमसे हैं, हाँ वो करेगा, करेंगे हम, मतलब कि वो आदेश देंगे करेंगे हम, समझ जाओ आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। दूसरी बात ये है कि भाई जिसके कर्म बढ़िया हैं उसके आराम होगा 100 का 100, जिसके थोड़े बहुत 19-20 बाबा ने नहीं करना उसके 100 तो नहीं कह सकती मैं, पर ये है कि उसके भी 20-30% तो पड़ेगा ही आराम। क्या आप झाड़ फूंक भी करते हो? मैं वो क्यों आग रहा, जैसे बुज्जा वगैरह जो होती है उस बुज्जा निकालती हूँ। मैं किसी का फ्यूचर तो नहीं बता सकती, पर पास्ट और प्रेजेंट थोड़ा बहुत सच्चा झूठा जितना मैंने दिखा है, भाई बुज्जा निकालना है ना एक मतलब कि नू को नहीं कि भाई हम तो भगवान हैं, हम भगवान नहीं हैं। बुज्जा निकालना पता है किसे कहते हैं? पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ मैं, 8 ही पढ़ रही हूँ, पर बुज्जा निकालना उसे कहते हैं कि 6th sense चलाना, छठी इंद्री को जागृत करना। तो छठी इंद्री को जागृत जब हम करते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और छठी इंद्री का संयम हम इकट्ठा यहाँ करते हैं, उस टाइम हमें जो दिखता है वो हम अगले को बताते हैं, सच है या चाहे झूठ वो हम बता देते हैं। मैं नहीं कहती मैं किसी का फ्यूचर पास्ट प्रेजेंट बता सकती हूँ, कन्फर्म जो मुझे दिखा वो मैंने बता दिया। ये हाथों पर जो निशान है इनके बारे में कैमरे के सामने पूछोगे या बाद में पूछ लोगे? मुझे पता है आप समझ गए होगे, मैं आपके हाथ की तरफ देख रहा था, मैं ये पूछने वाला था कि जो हाथों पे निशान में काफी देर से देख रहा हूँ ये किस चीज़? मैं मीडिया के सामने नहीं दूंगी। मैं ये सवाल आपसे पर्सनल पूछूंगा, कुछ देर पहले मैं देख रहा था आप भक्तों को केले खिला रहे थे, 5 उसके बाग करने हैं छिलके के, क्या है ये? जिन माता और बहनों के बच्चे नहीं होते उनको जति गुरु गोरखनाथ भी भभूति से ही पैदा हुए थे ना, तो इनसे हम 1 दर्जन केले मंगाते हैं, 1 सेब मंगाते हैं, 1 अनार, अनार और सेब को धुने में रख देते हैं, 2 केले धुने में रख देते हैं, 4 केले इन महिलाओं को खिला देते हैं, वे जितनी इनकी संयम शक्ति है उतने खा ले हैं बेचारी, ठीक है, और अपने दुख के लिए तो खाना भी पड़ा है। उसके बाद इनके पेट के तागा बांध दिया जाता है, 9 रुपये इनके पल्ले में बांध दिए जाते हैं। अब भाई नू कह आकर 100 लेडीज आई हैं तो बाबा की दया इतनी हो रही है कि 60 होके तो आराम होता है।
16 डिजाइन तो 60 को बच्चे हुए हुए नहीं पेट में, मतलब कि अभी तो हाँ पेट पड़े हैं। हाँ जी वो होना ही होता है, पेट पड़ गया। हाँ जी, और बच्चा पेट पड़ गया तो बच्चे के कोई नुकसान नहीं होगा, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। हाँ ये मैं गारंटी ले, बिल्कुल स्वस्थ रूप से वो जन्म लेगा। हाँ जी, अगर पेट में कोई दिक्कत भी हो जाती है तो उसको अंदर ही अंदर बाबा की दया से बबूत दे के, जति गुरु गोरखनाथ का नाम लेके उसके आराम करने की भी कोशिश करते हैं कि ठीक ठाक हो जाए बच्चा। शराब छुड़वाने वाला क्या मामला है? शराब छुड़वाने वाला मामला कुछ नहीं है, एक बोतल लाओ, पांच लड्डू लाओ, दो सिगरेट लाओ, शराब में बबूत गिरवाओ, अपना घर ना जाकर पियो और शराब छूट जाएगी। क्या मिलाते हो बबूत? बबूत में भाई केमिकल मिलाया करूँ रे, काटिए मन्ना इस बात ने, केमिकल मिलाया करूँ, गोली पीस का मिलाया करूँ, ठीक से। और कहीं भाई का बहम हो तो उन शराब ने चेक भी करवा सका है कि हाँ मैंने केमिकल और गोली मिला रखी, कत्ती ना काटिए इस बात ने, दिखाइए नुक्की नु जनता के सामने। मैं परसों मोखरा धाम पे गया था, आप वहाँ पे थे, अंदर रूम में थे, आप मिले नहीं थे। आपने ये कहा कि मैं आपसे पहली बार नहीं, मैं गया था, मैं मिला आपसे पहली बार हूँ, मैं आपके धाम पे आपसे मिलने के लिए ही गया था। वहाँ पे जो कुछ भगत थे वो बोल रहे थे कि भाई आज नहीं मिलेंगी, तो मैंने कुछ लोगों की बाइट ली थी। एक भगत था आपका, मांडुट्ठी गाँव से था, वो बता रहा था कि भाई मैंने शराब छोड़ने के लिए आया था और उसने शराब छोड़ भी दी। तो उससे मैंने ये सवाल किया था कि मैं आपको कितने दिन बाद मिलूं कि आपने शराब छोड़ दी, तो उन्होंने कहा कि आपका जब मन करे, उन्होंने कहा कि आपका जब मन करे आप मिल लेना, मैंने साध्वी जी के जाड़े से शराब छोड़ दी है। बड़ी अच्छी बात है, आपके जाड़े से लोग सुधर रहे हैं। और मैंने वहाँ पे वीडियो में ये बात भी बोली थी लोगों के सामने कि भाई मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कि साध्वी जी के हाथ में, उनके जाड़े में इतनी शक्ति हो कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। एक बात मैं कहना चाहूँगी, आप मुझसे पहली बार मिले हो, बाकी तो सभी जो यूट्यूबर हैं उनको भी मैंने कह रखी है, ना तो मेरे हाथ में कोई शक्ति, ना मेरे झाड़े में कोई शक्ति, जिसमें शक्ति है उसको कहते हैं जति गुरु गोरखनाथ, जिसके नाम से मैं बबूत देती हूँ और जिसके नाम से मैं झाड़ा लगाती हूँ, ठीक है। मैं तो एक आम इंसान हूँ, मैं खुद बीमार हो जाऊँ, देख मेरा पैर पका पड़ा, तो मेरे में क्या शक्ति है जब मैं ही बीमार हो जाऊँ तो। पर जति गुरु गोरखनाथ का नाम लेकर जिसका संकट उठ लिया ना कि भाई इसका यह बीमारी है, तो कोशिश मेरी ये एंड तक ये रहती है कि इसको आराम हो और ये ठीक होकर जाए। क्योंकि देखो ये जनता जो खड़ी है, ये धुणे में से तो बबूत उठा के खा नहीं सकती, और उठा के खा भी लेगी तो इनको पता नहीं उसका यूज क्या करना है, तो इनको बबूत देना, अपने जो बच्चे वो देते हैं, मैंने पढ़ रखी है वो, फिर ये लोग लगाते हैं, खाते हैं, तो इनकी बीमारियों में आराम होता है। और आराम ना हो तो भाई साहब एक बात बताओ, अंधविश्वास कितने दिन चलता है? 15 दिन 20 दिन, महीने, पाखंड भी इतने दिन चलेगा। तो आराम होगा तभी तो 1 से 2 जुड़ेंगे, 2 से 4 जुड़ेंगे, 4 से 6 जुड़ेंगे। मैं तो किसी ने बुलाऊं नहीं, ठीक है भाई मेरे को ना आओ, मैं तो एक के बाद क्या करूँ, पहला झाड़ा भाई किसी का तकलीफ है तो लगवाओ और उसमें 20% आराम हो तो दोबारा आओ, नहीं तो कति मत, यू गर्मी में दुखी होकर मन ने भी दुखी ना करियो। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा 1008 की जो टीम आज आपके पास आई है, आपने इतना समय दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहती हूँ, जो इस वीडियो को देखेगा, वीडियो को देखने वाले सभी लोग जो अब इस नए धाम पे आ रहे हैं, वो सभी एक तो मंदिर, ये जो है हमारा, हमने डेरा बनाया है, इसके आगे कोई गाड़ी नहीं खड़ा करेगा, टेम्पो नहीं खड़ा करेगा, बाइक नहीं खड़ी करेगा, ठीक है। कोई भी रोड क्रॉस करके चाय पानी के लिए नहीं जाएगा, हमें बताओ, हमारे बच्चे घूमते रहते हैं कमेटी के, हम वहाँ सामने जो खोखा है वहाँ से चाय मंगा के देंगे या कैसे भी अवेलेबल कराएंगे हम भाई चाय पानी जो भी उनको खाना पीना है, क्योंकि 1-2 दिन में व्यवस्था हो जाएगी इसके अंदर ही डेरे के अंदर। पर तब तक, क्योंकि परसों फिर गद्दी आ रही है बृहस्पतिवार की, इसलिए कोई भी माता बहन इधर उधर से कूदती घूमे जाए तो ये इधर उधर ना घूमे, आराम से झाड़ा लगवाने हैं अपनी गाड़ी में से यहाँ उतरो, उतरने के बाद सामने किले परली तरफ पार्किंग है, वहाँ अपनी गाड़ी को खड़ा कर दो, ड्राइवर वहाँ खड़ा रहेगा, वहाँ पार्किंग में गाड़ी खड़ी रहेगी। कृपया करके कोई भी ऐसी उलूल जुलूल हरकत ना करें कि जिससे हमें भी परेशानी बने और आपको भी बने। हाईवे रोड है, गाड़ी रफ्तार से आती है, एक्सीडेंट हो जाएगा, बिना बात की मुसीबत मेरी जान ने गल जाएगी, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी जान ने कोई मुसीबत गले आप लोगों की वजह से, ठीक है। इसलिए मैंने सख्त निर्देश दिए, कोई भी गाड़ी अगर यहाँ खड़ी हुई तो उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया जाएगा भाई, इस बात को कोई किमें भी समझे, क्योंकि मैं अपने जान ने पुलिस प्रशासन की आफत नहीं खड़ा करना चाहती। और सब तो बड़ी बात तो भाई यहाँ से पुलिस प्रशासन तो हाथ पाँव जोड़ ले, निमट भी ले, कहीं का चोट लग गई तो
तो उसने कौन भुगता वो, ठीक है ना, मेरे इतना ब्योत मैं उसने ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूँ, गरीब सामाना सा अपना टाइम पास करा हाँ। तो इसलिए जनता तो निवेदन है कि कोई भी अपनी गाड़ी घोड़ा ना भाई सही जगह ठिकाना खड़ा करो, चाहे पानी किसी ने चाहिए पानी टैंकर में है, चाय चाहिए खाना पीना चाहिए, दो दिन में तो यहाँ भी इंतजाम हो जाएगा। और अपना भाई आराम तो रहो, जैसे झाड़ा लगवाना आया हो लाइन में खड़ा होकर झाड़ा लगवा लो, सारा काम सही होगा, बाबा की दया तर सबको भलो होगा, आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद हरियाणा 1008 की टीम को इतना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ये थे साध्वी जी हमारे साथ थे, इन्होंने जो इनके जो विचार थे वो इन्होंने अपने विचार दिए, और बहुत जल्द किसी नई वीडियो को लेकर, किसी नई स्टोरी को लेकर, किसी नई न्यूज़ को लेकर एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मैं दिनेश कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी भाई अनिल कुमार, आप सभी को जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।